सिंगापुर डेट आपको बता दिया जाएगा, इस महीने के अंत तक तो चले ही जाएंगे। चलिए ठीक है, अंदर भी देखिएगा, हर डिपार्टमेंट में थोड़ा नीचे कीजिए, बड़े तादाद में हरियाणा में देखिए, इधर भी देखिएगा इधर। और हम लोगों का जो लक्ष्य छोड़ना हो गया उसका हम लोग धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आप लोग तो सब लोग जान रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्र भेजा जा रहा है, और उसको देखते हुए अगर केंद्र जो नियुक्ति पत्र बांट रही है तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि वही प्रशासनिक चीज़ें और कई खाली नियुक्ति पत्र नहीं और भी कई ऐसी जो योजनाएं हैं केंद्र ने अपनाने का काम किया, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन आप सब लोगों से हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने तो आंकड़ा दिया है कि बिहार में इतने पदे हैं, रिक्त पदे हैं, इतनी बहाली हम लोग निकालेंगे, नौकरी निकालेंगे, लेकिन आप बताइए केंद्र सरकार जो है कितना नौकरी दे रहा है, कितना पद जो है रिक्त है, ये तो बताना चाहिए ना लोगों को। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहिए भाई, जो आपकी देश की आबादी, बिहार तो मात्र 12 करोड़ की आबादी में अगर हम यहाँ 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था कराते हैं तो पूरे देश की जो आबादी है उसके हिसाब से केंद्र सरकार कितना देता है, तो वो कहीं कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा बात है ना, आज कम से कम इस एजेंडे पे तो आगे हैं। जो लोग दिन रात भेदभाव हिंसा की बात करने वाले लोग, अमन चैन छीनने वाले लोग, कम से कम आज उनको नौकरी पे तो आना पड़ेगा। लालू जी कब जा रहे हैं? लालू जी कब जा रहे हैं सिंगापुर? डेट आपको बता दिया जाएगा, इस महीने के अंत तक तो चले ही जाएंगे। चलिए बाकी सर्जरी है तो चुनाव प्रचार करने के लिए हम लोग जाएंगे। चलिए चलिए सर, सीटेट के अभ्यर्थियों को सातवें फेस जो नोटिफिकेशन था उसको जारी नहीं किया गया है, उसको लेकर आज अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। संजय जायसवाल जो है वो कहे कि अगर नहीं जारी होगा तो सदन नहीं चलने देंगे इस बार, उनका जानकारी नहीं है। ठीक, चलिए ठीक।